दोस्तों आपके सेटअप बॉक्स में अगर कुछ इस तरीके से आता है, या यहाँ पे आता है आपके नो प्रोग्राम एग्जिस्ट, या यहाँ पे आता है आपके डाटाबेस एम्प्टी, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेटअप बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अपने रिमोट से मेनू का बटन प्रेस करना है। मेनू का बटन प्रेस करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का मेनू आएगा। हो सकता है आपके सेटअप बॉक्स में कुछ दूसरे तरीके का मेनू आए, लेकिन हर मेनू के अंदर आपको एंटीना सेटिंग मिल जाएगा दोस्तों। तो एंटीना सेटिंग में आपको जाना है, और एंटीना सेटिंग में जाने के बाद में आपको सबसे ऊपर देखेंगे सैटेलाइट जो है, यहाँ पे आपको जो भी सैटेलाइट सर्च करनी है, अगर आपको NSS 6 करना है तो NSS 6 लगाइए, ST2 करना है तो ST2 सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं GSAT 15 यानी कि 93.5 ईस्ट जो कि DD Fridis की सैटेलाइट है, उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे जो आपका LNB फ्रिक्वेंसी रहेगा वो 9750:10600 रहेगा, और LNB पावर ऑन रहेगी। उसके नीचे DISQC 1.0 ऑफ रहेगा, DISQC 1.1 ये भी ऑफ रहेगा। अगर आपके में DISQC लगा हुआ है तो यहाँ पे DISQC सेलेक्ट कीजिए, वरना तो ऑफ कर दीजिए। उसके बाद TP कुछ भी आ रही है उसको नहीं छेड़ना है, ना ही छूना है। उसके बाद आपको नीचे आना है स्टार्ट सर्च पेज, या फिर आपका सर्च होगा, या फिर आपका कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो उसको यहाँ पे आप करेंगे सैटेलाइट है यहाँ पे, इसको आपको कर देना है ब्लाइंड। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ब्लाइंड कर दिया है, और ब्लाइंड करने के बाद आपको रिमोट से ओके का बटन प्रेस कर देना है। आपको ओके का बटन प्रेस करने के बाद में वापस ओके का बटन प्रेस कर देना है, तो आपके टोटल चैनल्स उस सैटेलाइट पर, टोटल TP उस सैटेलाइट पर जितनी भी होंगी आपके सेटअप बॉक्स में आ जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ FTA ओनली को यस करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्री टू एयर चैनल्स देखने हैं, इसके लिए मैं यस करूँगा। अगर आपको टोटल चैनल लेने हैं तो उसको यस मत कीजिएगा, उसको नो कीजिएगा। और रेडियो TV दोनों लेने हैं तो उसको ऑल कीजिएगा। अगर आपको सिर्फ रेडियो चैनल ही लेने हैं तो सिर्फ TV कीजिएगा उसको। उसके बाद में मैं इसको सर्च कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे TV चैनल्स जो हैं वो हमारे सर्च होने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारे चैनल्स जो हैं आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे अभी हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं टोटल चैनल, आप देखेंगे 17। तो अभी 17-18 चैनल यहाँ पे हमारे आए हैं, और आगे भी चैनल आते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐसे ही इसको छोड़ना है। और मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। तो जो TP आपकी सेटअप बॉक्स में नहीं भी हैं ब्लाइंड स्कैन करने से, वो TP भी आपके सेटअप बॉक्स में स्टोर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको अलग से कोई TP डाल के सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 चैनल यानी कि 21 चैनल्स हमारे आ चुके हैं, और अभी आ ही रहे हैं, आप देखेंगे आपके सामने हैं, और ऊपर TP भी आपको शो हो रही होंगी, जो नई नई TP हैं, 18 TP आ चुकी हैं, नई TP स्कैन हो चुकी हैं। तो अगर हम वहाँ पे एंटीना सेटिंग में ब्लाइंड करेंगे तो हमारी TP नई आएंगी, हमारे डिस एंटीना के सामने यानी छतरी के सामने TP आ रही होंगी, सारी TP हमारी स्टोर्ड हो जाएंगी अगर हम ब्लाइंड करेंगे। सैटेलाइट करेंगे अगर वहाँ पे एंटीना सेटिंग में, तो जितनी TP हमारे सेटअप बॉक्स में है वही स्कैन होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे 192 यानी कि 202 चैनल हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम इसको ओके कर देंगे। तो जो हमारी डाटाबेस एम्प्टी या फिर नो प्रोग्राम एग्जिस्ट, या फिर जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था वैसा लुक आ रहा था, वो अब नहीं आएगा दोस्तों। वो कब आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो तब आता है जब आपके सेटअप बॉक्स में एक भी चैनल नहीं होता है। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए वीडियो नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे चैनल्स जो हैं आ चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो चैनल्स हैं वो सब स्टोर हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे नो प्रोग्राम एग्जिस्ट या डाटाबेस एम्प्टी ऐसा कुछ भी लिखकर नहीं आएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इससे लाभ मिले। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेडिस भाई का जय हिंद।